गबन का आरोप लगा है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, पहले तो आप सबों को धन्यवाद देते हैं मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए। मैं रावण पंडित, मुखिया ग्राम पंचायत घोड़बिहार बेलहर बांका, सह मुखिया संघ अध्यक्ष बेलहर। गबन का आरोप सरासर निराधार है। वित्तीय वर्ष 21-22 का ऑडिट नहीं हो पाया था, क्योंकि पंचायत सचिव सुनील कुमार शर्मा का एक्सीडेंट हो गया था। लगभग 3 माह तक मायागंज में भर्ती थे, साथ ही साथ उनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिस कारणवश ऑडिट नहीं हो पाया, जिसके वजह से बीपीआरओ श्री हरिमोहन बाबू के द्वारा एफआईआर किया गया है, जबकि गबन का कोई आरोप नहीं बनता है। स्थलीय कार्य हुआ है, अभिलेख ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपलब्ध है। साथ ही साथ ये बीपीआरओ साहब किस परिस्थिति में जनप्रतिनिधि पर एफआईआर किए, ये तो समझ से बाहर है, क्योंकि ऐसा कोई पत्र नहीं है जो कि मुखिया पर एफआईआर होना चाहिए। जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पत्र, जनता ये भी जानना चाहेगी कि जिस आवंटन, जिस राशि के बारे में, क्या वो सारी राशि निकाली गई थी? राशि निकाली गई है, तो क्या उसे स्थलीय काम वर्क स्थलीय कार्य हुआ है, नाला का कार्य हुआ है, साथ ही साथ सैनिटाइज का कार्य हुआ है, जीविका दीदी के द्वारा मास्क का जो वितरण किया गया है, ऑनलाइन पेमेंट किया गया है, और यह गबन का आरोप नहीं है। कैसा आपको लगा? वजह यह है कि हमेशा पंचायत समिति के बैठक में इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाते रहे हैं, बीपीआरओ के विरुद्ध में, और साथ ही साथ है, और अंदर का जो समझिए कि लेन देन नहीं होता है, जिसके कारण जो है ये सारी बातें आ रही है। लेकिन आपके ग्राम पंचायत में बहुत सारे लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, कुछ प्रतिद्वंदियों के द्वारा हम लोगों को भी कॉल किया गया, उन लोगों को आप क्या कहेंगे, कैसा संदेश देंगे? संदेश यह कि कार्य हुआ है और कार्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है सर। बस सिर्फ एक कमी रही है कि ऑडिट नहीं, जी ऑडिट नहीं हो पाया था, अखेंशन नहीं होने के कारण ही ऐसा सारा मामला विवाद बढ़ रहा है। जी 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 जी, इस मामले में आपसे बीपीआरओ साहब से बात हुई? बीपीआरओ साहब से बात हुई है। क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि भूल हो गई है और ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। उनसे पूछा गया कि 6 पंचायत में जब अंकेक्षण नहीं हुआ है, तो 4 ही पंचायत पर एफआईआर क्यों किया गया? दो को क्यों छोड़ दिया गया? क्या साजिश है? तो उनका कहना था कि दो पंचायत के पंचायत सचिव पर कार्रवाई चल रही है, इसीलिए उन दोनों पंचायत पर अभी नहीं किया गया है। और आपका कार्रवाई पूरा हो गया आपके ऊपर, इसलिए आप चारों पर एफआईआर कर दिया। साथ ही साथ उनसे पूछा गया कि पंचायत समिति बेलहर का भी अंकेक्षण नहीं किया गया, आप पर क्यों नहीं एफआईआर किया गया? तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अपने ऊपर कोई जवाब नहीं? जी, अपने ऊपर कोई जवाब नहीं। नन ब्लेवल सेक्शन लगाया गया है सर, क्या लग रहा है आपको, बेल लेना पड़ेगा? हमें बेल क्यों लेना पड़ेगा? इसीलिए कि सुपरविजन का इंतजार कर रहे हैं कि यह जो एफआईआर किया गया है कहाँ तक सत्य है। अगर सत्य है तो कोई बात नहीं, तो फिर मुझे जी क्या लग रहा है सर, जब निष्पक्ष जांच होगा और आप बिल्कुल सही पाए जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या मन में ऐसा विचार आता होगा कि मानहानि का भी केस करना चाहिए? बिल्कुल, इसलिए कि एक जनप्रतिनिधि की छवि को धूमिल किया गया। क्या विकास कार्य किए हैं, 2-4 गिना दें। एक मुस्लिम टोला का बाबूरामपुर में सदियों से रोड बहुत जर्जर था, आने जाने में कठिनाई होती थी, इस बार उसे पीसीसी का कार्य कराया गया है। दूसरी बात है, ग्राम तिलकपुर वार्ड नंबर 3, स्कूल यातायात में काफ़ी कठिनाई होती थी, पीसीसी कराया गया है। तीसरा, नाली नंबर 5 में
अच्छा से निर्माण कराया गया है जो कि हर घर से पानी का निकासी हो सके। सर आप एक प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, इस नाते आप तमाम आम आवाम को क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रखंड वासियों को? हम पूरे प्रखंड वासियों को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि गबन नहीं हुआ है, कार्य हुआ है। जिन जिन पंचायत में ऐसा आरोप बीपीआरओ के द्वारा लगाया गया है निराधार है, स्थलीय कार्य हुआ है और सभी प्रकार के योजनाओं का अभिलेख है, अंकेक्षण नहीं होने के कारण ऐसा किया गया है।